नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले। आज के इस डिजिटल युग में कभी ना कभी हमको जो है वीडियो एडिटिंग करने का मौका जरूर मिलता है, चाहे वो किसी पर पर्पस के लिए हो, चाहे वो शादी का वीडियो हो या फिर आप जो है सोशल साइट के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है एक ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप बिल्कुल फ्री में बिना किसी वाटर मार्क को, बिना किसी एक रुपए लगाए हुए आप अपने मोबाइल फोन से वीडियो को एडिट कर सकते हो एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से। तो चलिए हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन रिकॉर्डर को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि किस तरीके से आप जो है एक वीडियो एडिट कर सकते हो, उसमें इफेक्ट कैसे डालना है, एप्लीकेशन को कैसे आप यूज कीजिए, कौन सा एप्लीकेशन है, सारा चीज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करें। वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको काफी सारा जो है टूल्स मिल जाएगा, तो इसमें से जो मुझे अच्छा टूल से लगा वो यहाँ पे जो है इनशॉट वीडियो एडिटिंग। आप इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का वाटर मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है, जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा ओपन बटन पे क्लिक कीजिएगा, पहली बार यूज कीजिएगा तो परमिशन वगैरह सारा चीज़ आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद फाइनली आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला वीडियो है, फोटो है, उसके साथ यहाँ पे कॉलेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम जो वीडियो एडिटिंग वाला ऑप्शन आपको समझाने वाले हैं, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली जो भी चीज़ आप यूज किए वो आपको दिख जाएगा। आगे आपको न्यू बटन पे क्लिक, जैसे आप न्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसमें से जो भी वीडियो आप यूज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट बटन पे के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना। वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में जो भी टूल्स है वो सब आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैनवास का, ये क्या काम करता है, जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आप अलग अलग तरह के यहाँ पे जो, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, टिकटॉक वगैरह के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे यदि आप यूट्यूब का यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे 16:9 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इसमें से जो भी आप सेट करना चाहते हो सेट कर लीजिएगा। आप यहाँ से आप इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो। फाइनली आपको टिक बटन के ऊपर में क्लिक कर देना कीजिएगा, यहाँ पे इसके ऊपर में एक बार क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में इफेक्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह का इफेक्ट ऐड करना है किसी भी आपको वीडियो में तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि घंटी का या फिर ड्रिंक का, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप इसको पहले प्ले करके चेक कर लीजिएगा और यदि आपको ये सही लगे तब आप इसको यूज बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके यहाँ पे वीडियो में ऐड हो। फाइनली यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिएगा और भी बन जाएगा। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद फाइनली डिलीट बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना, इस तरीके से इसको डिलीट कर देना, फाइनली टिक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगले नंबर पे यहाँ पे स्टिकर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टिकर के ऊपर में जैसे आप क्लिक, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टिकर मिल जाएगा, इसमें से जो भी स्टिकर यूज करना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर में क्लिक करना और आप इसका यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो मेन चीज़ है GIF जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे आप अपने वर्ड के हिसाब से यहाँ पे स्टिकर को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब, तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिख करके और यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा जिप दिख जाए, इसमें से जो आपको सही लग रहा है उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये आपके यहाँ पे वीडियो में ऐड हो जाएगा। फाइनली आप इसको रिसाइज वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं और जब भी आप इसको डिलीट करना चाहें तो इसके डिलीट के ऊपर में क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगले नंबर पे है टी, यहाँ पे टी बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, कुछ भी नाम या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। लिखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आप इसमें जो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ यदि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके साइज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का साइज हो गया, इसमें से जो भी साइज आपको सही लग रहा है उसके ऊपर में क्लिक कर दे तो फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते तो उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, कलर चेंज हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे में यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से जो भी बैकग्राउंड आपको सही लग रहा है उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, बैकग्राउंड भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फाइनली सारा चीज़ करने के बाद टिक के ऊपर में क्लिक कर देना, ये निशान लग गया। आप इसको जितना बड़ा साइज करना चाहते कर सकते हैं, साथ साथ एक जगह से हटा करके इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, ड्रैग भी कर सकते हैं। यह फिल्टर टूल्स का, यहाँ पे जैसे फिल्टर बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा, इसमें सारा इफेक्ट मिल जाएगा। इसमें से जो भी इफेक्ट आपको सही लग रहा है उसके ऊपर में क्लिक कर देना और साथ साथ यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन भी दिखाई दे, फिल्टर पे क्लिक कर देना है और जो भी यहाँ पे इफेक्ट आप यूज कीजिएगा उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर में क्लिक कर देना, यहाँ पे टिक बटन पे क्लिक। अब ये इफेक्ट आप कितना दूर इसमें लगाना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से इसको ड्रैग करके खींच सकते हो, जहाँ पे पूरे लास्ट तक आप वीडियो के एंड तक ले जा सकते हो या फिर किसी एक पार्ट में ले जा सकते हो। यहाँ पे अगला टूल है प्री कट, अब यहाँ से जो वीडियो को कट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप जो पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इसको जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो इस तरीके से,
यहाँ पे जैसे आप प्ले करोगे इस तरीके से दिखाई देगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो किसी भी वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए फाइनली आपको यहाँ पे जो है स्पेस सेलेक्ट कर लेना है। स्पेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको डिलीट बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। फाइनल डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब इस टूल्स का यूज जो होता है डिलीट करने के लिए होता है। साथ साथ यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसमें से आप जो बैकग्राउंड सेट कर बैकग्राउंड सेट करने के लिए यहाँ पे पहले नंबर पे आपको जो है इस तरीके से हाइड वाला दिखाई देगा, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से। नीचे वाला पे क्लिक कीजिएगा कलर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मल्टी कलर आ जाएगा और चौथे नंबर पे यहाँ पे जो है डिजाइन वाला कलर आ जाएगा। इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो को भी चाहो तो आप इस तरीके से जूम कर सकते हो, जिससे आपका जो कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह है, लोगो वगैरह, वो भी आपका हाइड हो जाएगा। फाइनली आप इसके ऊपर में टिक बटन के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है इसमें यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है स्पीड का, स्पीड के ऊपर में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो पार्ट है इसको और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, या फिर आपको कम करना है तो वो आप कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो अगला टूल्स है, यहाँ पे जो आपको क्रॉप टूल्स दिखाई दे रहा है, क्रॉप टूल्स काफ़ी कमाल का है। क्रॉप टूल्स की मदद से किसी भी वीडियो का अनवांटेड पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर फाइनली आपको टिक बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके वीडियो से अनवांटेड पार्ट हट चुका। यहाँ पे जो अगला टूल्स है जो स्पीकर दिखा दे रहा है वॉल्यूम, ये आप है जो कि यहाँ पे वॉल्यूम बटन दिखा दे रहा है। वॉल्यूम के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सभी वीडियो में आपको करना है, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप 100% कर देते हैं तो आपके वीडियो का वॉइस जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ साथ यहाँ पे किसी भी पार्ट को यदि आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे रिवर्स करना है तो इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, रिवर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्लिप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्लिप पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ये पलट जाएगा दोनों साइड में। आप ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फाइनली सारा चीज़ जब आपका क्लियर हो जाए तो अगला बारी आता है यहाँ पे जो है सेव बटन पे, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसको सेव कर सकते हो। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझाना चाहते, किसी भी वीडियो में मेन चीज़ होता है ब्लर करना, तो यहाँ पे आप इसमें कैसे ब्लर कर सकते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो आपको ब्लर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है फिल्टर पे। फिल्टर पे जैसे आप जाओगे तो आपके सामने में यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा। इफेक्ट पे जैसे आप जाओगे तो आपके सामने में यहाँ पे जो स्टाइल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, स्टाइल के ऊपर में जाना है। यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पे जो है अगर आप किसी भी तरह का यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मुझे ये वाला ब्लर चाहिए इसके ऊपर में क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे जो है इसके जब इफेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो टिक बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। और इसमें काफ़ी कमाल कमाल का इफेक्ट दिखाई, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसमें हम आग वाला इफेक्ट डालना चाहते हो तो करना है आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना। इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके सामने में जो सेलिब्रेट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे फायर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। फाइनली टिक बटन पे क्लिक कर देना। अब इस इफेक्ट को जितना मर्जी आगे कर सकते हो कुछ इस तरीके से ड्रैग करके, साथ साथ कम करना है तो कम भी कर सकते। जब सारा चीज़ आपका इस वीडियो का क्लियर हो जाता है तो आपको फाइनली सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे जो है 1080 dpi है इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, 720 नज़र आएगा, 1080 नज़र आएगा, यहाँ पे 4K भी नज़र आएगा। जिसमें आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। फाइनल सेव बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फाइनल जैसे आप सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सपोर्टिंग जो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद यहाँ पे आपका वीडियो 100% जो एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए अपडेट आपको मिलता रहे। आइए।